तुमने देखा होगा इनको और इनको, मैंने इनके लिए है शेडर्स माइनक्राफ्ट के अंदर और इनके लिए मैंने टेक्सचर पैक, और भाई इन दोनों के बहुत ज़्यादा क्रेजी थे, मैंने दोनों का कंबाइन कर दिया। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ माइनक्राफ्ट। तो पहले देखो नॉर्मल माइनक्राफ्ट कैसा दिखता है। नॉर्मल माइनक्राफ्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ठीक है, देख रहे हो, अच्छी घास मतलब नहीं है, ठीक नहीं है, पानी वानी ठीक है। तो अब करते हैं इसको जल्दी से चेंज, 3 2 1 गो। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो अब ये गेम कैसी हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये देखो कितना क्रेजी लग रहा है। गोलम एकदम वैसा ही है, लेकिन ये देखो भाई, ये देखो ये कोबलस्टोन है ब्रो। उसके बाद में तुम घास देखो, अब बताओ घास कैसी लग रही है, क्रेजी हाँ ना, बहुत क्रेजी। अब ये देखो तुम्हें पेड़ पौधे दिखा, तुम्हें बहुत क्रेजी भाई। ये इसका पानी है, और हाँ ये इस दुनिया में जब आया था, ये देखो क्या क्रेजी चीज है ब्रो। और इसकी हार्डकोर की मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और ये देखो ये कुछ एक ग्लिच, बहुत तगड़ा ग्लिच है। ये पानी है यहाँ पे, और ये पानी कभी नीचे नहीं आता, बहुत क्रेजी। और एक और चीज, हाँ ये पानी कम है तो इधर ये थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा लग रहा है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट पानी नहीं लग रहा ये, क्योंकि ये बहुत कम पानी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ पे ज्यादा पानी है, ठीक है। ये देखो भाई कितना क्रेजी है भाई, मिट्टी हाय हाय, प्यार 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 हो गया। सबसे ज्यादा जो मुझे चीज पसंद आई है वो है ये घास, मतलब ये पर्टिकुलर ये घास नहीं, सारी घास, क्योंकि घास देखो तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, एकदम 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 रियलिस्टिक ब्रदर। अब जैसे कि तुम देख रहे हो ये ज़्यादा पानी है, ठीक है। और अब देखो इधर ज़्यादा पानी के अंदर कितना प्यारा सीन है। और भाई ये माइनक्राफ्ट है क्या भाई, ये कहाँ से मैंने बहुत सारे शेडर यूज़ करे, लेकिन जब से इन दोनों के मैंने ये देखी है ना, तो मैंने इन दोनों का कंबाइन करके बहुत क्रेजी चीज़ बना दी ब्रो। भाई ये देखो भाई पानी के नीचे है अभी अपन, ये कौन सा रास्ता है, मरना नहीं है ब्रोदर, जाने वाला हूँ दूसरे वर्ल्ड में, और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि बारिश के अंदर ये कैसा लगता है। और अगर तुम दोनों को क्या कह रहा हूँ मैं, और अगर तुमको ये शेडर और ये टेक्सचर पैक तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे उनके नाम। तो चलते हैं दूसरे वर्ल्ड में, लेट्स गो। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गया, और मैं इस वर्ल्ड के अंदर मेरा ये नॉर्मल वैसे वर्ल्ड है जिसके अंदर मैं कुछ भी करता रहता हूँ फालतू के काम। और जैसे कि तुम देख सकते हो बारिश, बहुत क्रेजी भाई, इसके अंदर शाइन होता है ब्रो, ये चमक रहा है, ये देखो ये पानी की बूंदें हैं जो तुम्हें ऐसे से दिख रही है, और इसमें रिफ्लेक्शंस तुम देख सकते हो। तो वो पेड़ दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन बोरा, ये पहाड़ दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा। अभी अपन चलते हैं पानी की तरफ, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और जहाँ तक है मेरे पीसी में ये चल जाता है, ठीक है, तो मैं इसकी वीडियोस आराम से बना सकता हूँ इन शेडर पैक और इन रिसोर्स पैक की। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पानी के अंदर का क्या सीन है ब्रो, ये देखो पानी ऐसा दिखता है इसके अंदर। और अभी अपन ले लेते हैं जल्दी से एक बोट, इसमें मैं क्रिएटिव ही है मेरे पे, और जैसे कि आप तुम देख सकते हो ये देखो भाई, भाई क्या वो रिफ्लेक्शंस देखो तुम पानी के अंदर ब्रो, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। हार्डकोर की वीडियोस आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत टाइम से मैंने माइनक्राफ्ट गेम ही नहीं खेली थी, क्योंकि पता नहीं मेरा मन थोड़ा हट गया था, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ देखी है ना ब्रो, देखो तुम देखो, ये देखो भाई, ये देखो। तो भाई क्रेजी एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम्हें चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि तुम नई नई वीडियोस देख सको। और हाँ इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि अब देखो अब मैं माइनक्राफ्ट खेलना चालू कर रहा हूँ बहुत तगड़े तरीके से, तो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।